हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का अपेक्स सेट। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड आज की वीडियो को बनाने का मेन रीजन जो है ना, मैंने रिसेंटली कुछ वीडियो पोस्ट की थी टाटा पंच के ऊपर, एंड मुझे उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि अच्छा किया मैंने टाटा पंच सेल कर दी। एंड उनको लगता है कि टाटा पंच एक परफेक्ट फिट नहीं है सेगमेंट के लिए, एंड टाटा पंच वर्स्ट कारों में से एक है जो इस सेगमेंट में आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, मेरे जो रीजंस थे इस कार को सेल करने के पीछे। बिकॉज अगर कोई लोग ये कार लेना चाहते हैं तो उन लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि ये कार कितने हद तक अच्छी कार है या नहीं है। तो जो भी डाउट्स हैं लोगों के माइंड में, वो सब क्लियर हो जाए इस वीडियो के बाद। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ, देखो पहले मैं ये रीजन पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि मैंने ये कार क्यों सेल की थी। फिर भी अगर लोगों ने ये वीडियो, पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कार सेल करने के पीछे जो मेन रीजन था मेरा, वो ये था कि जो मेरा जिस पर्पज के लिए मैंने ये कार ली थी, वो मेनली मेरा पर्पज था, मुझे हिल्स में, हिली एरियाज में मेरे ड्राइव ज्यादा होते थे। मैं जब भी जाता था तो मैं 5 लोगों के साथ विद फुल लगेज जाता था, तो मुझे हिली एरियाज में स्पेशली ये कार थोड़ा सा अंडर पावर फील होती थी। ओवरटेक के केस में मुझे लगता था कि कार में उतनी ज्यादा पावर डिलीवर नहीं कर पा रही है कार। तो ये मेन रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये कार अपग्रेड करी। और उससे पहले भी मैं चाह रहा था कि मैं इससे ऊपर सेगमेंट में जाऊं और थोड़ा सा इससे एक बड़ी सेगमेंट की कार लूँ। तो ये माइंड, ये दो पॉइंट्स थे मेरे माइंड में जिसकी वजह से मैंने ये कार अपग्रेड करी थी। एंड ये कार मैंने अराउंड 1.5 साल चलाई थी, एंड इसको मैंने 13,000 to 14,000 किलोमीटर चलाया था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जो रनिंग थी वो हिली एरियाज में ही थी और हाईवे रनिंग ही थी। बेसिकली जो कार लेने का पर्पज था वो यही था। तो ये था मेरा पॉइंट इस कार को अपग्रेड करने के पीछे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें लोगों का कहना है कि ये कार सही कार नहीं है इस सेगमेंट के लिए, या ये कार इस सेगमेंट में सबसे वर्स्ट कारों में से एक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। देखो, मेरा मानना है जो कार मंथ ऑन बेसिस पे 15,000 यूनिट सेल कर रही है ना, उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते। उसमें कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें, हर लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर लोगों को अपनी कार से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर किसी लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भैया उनको नहीं चाहिए एक परफॉर्मेंस अपनी कार से ज्यादा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं चाहिए, वो नहीं ड्राइव करते इतना ज्यादा स्पीड्स में, नहीं वो ओवरटेक करते, नहीं एक्सेलरेट करते कार को ज्यादा, नहीं उनको ज्यादा पिकअप की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए कार परफेक्ट है यार। उनके लिए इस कार में उनको एक अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलती है। आजकल के टाइम में जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, एसयूवी कार वाला फील चाहिए, तो इस कार में प्रॉपर एसयूवी वाला फील आपको देखने को मिलता है। कंफर्टेबल राइड मिलती है, किसी भी सस्पेंशन, किसी भी रोड कंडीशंस में से सस्पेंशन आप चेक करो, बहुत अच्छे सस्पेंशन ट्यून किए गए हैं, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इस कार में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सेफ्टी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कितनी सेफ्टी प्रोवाइड करती है टाटा पंच। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, तो डेफिनेटली क्यों कंसिडर ना करें लोग इस कार को, सिर्फ इस बेसिस पे कि इंजन थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है या सिटी में प्रॉपर माइलेज निकाल के नहीं देती ये कार। सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकता, बिकॉज हर लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर लोगों को अपनी कार से कुछ अलग चाहिए होता है। तो उस केस में हर लोगों के लिए कार बुरी नहीं है। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि भैया उन्हें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन चाहिए, वो डेफिनेटली इस कार की तरफ मत जाओ। बट ये बोल देना इस बेसिस पे कि कार बेकार है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे को भी ये कार बहुत ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई लोग ऐसी कार चाह रहे हैं जिसमें उनको सेफ्टी मिले, एसयूवी वाला फील मिले, एक अच्छा सस्पेंशन मिले, तो मैं कई लोगों को रिकमेंड करता हूँ इस कार का, और वो कोई बुराई नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे कि यार इससे बेटर एक्स्ट्रा क्यों नहीं रिकमेंड करते। देखो, एक्स्ट्रा का सीन ये है कि अगर आपको चाहिए, पहली बात, एक्स्ट्रा में आपको क्या नहीं मिलेगा जो कि आपको पंच में मिल रहा है? एक्स्ट्रा में आपको वो एसयूवी वाला फील नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा के सस्पेंशन जो है वो पंच जितने मैटर नहीं है, एक्स्ट्रा आपको जो हाईवे में स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड पंच करती है वो नहीं कर पाएगी। भले ही एक्स्ट्रा में आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, भले ही एक्स्ट्रा का इंजन ज्यादा रिफाइंड है पंच से, बट फिर भी जिन लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनको सेफ्टी चाहिए, सस्पेंशन अच्छे चाहिए, कंफर्टेबल राइड चाहिए,
तो उन लोगों के लिए पंच बेटर है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, बट ये कह देना कि पंच एक बेटर कार नहीं है, तो इस चीज से मैं डिसएग्री करता हूँ। एंड मेरा सिंपल सा पॉइंट है यार कि कार जब भी लो अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लो, ना मेरे सुनने पे जाओ ना किसी के बोलने पे जाओ। जब भी आप कार लेने जाओ टेस्ट ड्राइव लो कार की, आपको क्या लगता है, आपको क्या फील होता है वो जरूर देखो, बिकॉज हम जो देते हैं ना, हम जो बताते हैं वो आपको कार के पॉजिटिव नेगेटिव बता देंगे, बट एक्सपीरियंस आपको खुद करना है। कार आपको चलानी है, आपको कैसी फील होगी वो हमेशा आप जरूर चेक करें। जब भी जाए टेस्ट ड्राइव ले कार के व्हीकल की, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको इस तरफ जाना या नहीं जाना। मैं भी आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं पंच के लिए इस सेगमेंट में, अगर कोई कार ढूंढ रहा है, बिकॉज इस बजट में ये मुझे पर्सनली फील होता है कि बेस्ट कार है, बिकॉज इस बजट में बहुत चीजें आपको ये ऑफर करती है। एंड देखो सब कारों में सब चीजें आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हर कार परफेक्ट नहीं है, हर कार में आपको सारी चीजें नहीं मिलती है। तो अगर मैं भी रिकमेंड करता हूँ तो आप जाओ टेस्ट ड्राइव लो कार की, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि आपको वो कार लेनी है या नहीं लेनी। तो गाइस सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल सा एक जो क्वेश्चन उठ रहे थे इस कार के ऊपर वो मुझे क्लियर करने थे। मेरा मानना बिल्कुल नहीं है कि ये कार बेकार है, मेरा जो रीजन अपग्रेड करने का था वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक दो पॉइंट है कि अंडर पावर फील होता है इसका इंजन 1.2 लीटर, और वो सिर्फ इसके साथ नहीं है, बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जिनका 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन अंडर पावर फील होता है। इस कार का तो कर्वेट भी ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा लगता है। बात रही एक और पॉइंट की जो कि एनवीएस लेवल है, इस कार में एनवीएस लेवल है थोड़ा बहुत, बट बाहर ज्यादा है, कैबिन काफी हद तक साइलेंट है। एंड जो नए बायर हैं उनको वो चीज फील नहीं होने वाली, बिकॉज जिसने कभी फोर सिलेंडर इंजन कार नहीं चलाई हो और जो नया कार ले रहा हो उसको ये फील नहीं होगा। तो ये पॉइंट ज्यादा इतना कंसर्न करने वाला नहीं है, या ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके बेसिस पे आप पंच को रिजेक्ट करो। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो ये बोलना कि कार सही नहीं है ये बिल्कुल गलत होगा, और मैं चाहता था ये क्लियर हो जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग प्लान करते हैं यार, लोग कमेंट्स देख के फिर लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि यार हो सकता है कि कार सही ना हो, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। जितना भी मैंने इस कार को चलाया, कार काफ़ी अच्छी है, एंड आप डेफिनेटली इस कार को कंसिडर कर सकते हो, बट जो चीज़ आपको नहीं मिलेगी इस कार से वो भी मैं क्लियर बता चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा रहा हूँ आपसे, सब कुछ क्लियर मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी इसी बारे में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बिकॉज आपका एक लाइक आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।